सरगुजा जिले में सड़क सुरक्षा माह मनाया गया, जिसका समापन शनिवार को हुआ। सुरक्षा माह में लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। दरअसल केंद्रीय रोड सेफ्टी मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी होने के बाद सरगुजा जिले में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाया गया। इसके समापन अवसर पर एसपी विजय अग्रवाल ने अपील की कि सभी वाहन चालक हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं, साथ ही यातायात के नियमों का पालन भी करें। सड़क सुरक्षा माह का आयोजन जनवरी और फरवरी के माह में किया गया था और केंद्रीय रोड सेफ्टी मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम एक शेड्यूल आया था, उसके मुताबिक ये कार्यक्रम किया गया था। इस पूरे माह के दौरान मुख्यतः यातायात जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम स्कूलों में, चलित थानाओं में और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किए गए थे। रोड मुख्य चौक चौराहों पर भी ये कार्यक्रम किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि यातायात के बारे में लोग जाने और उसका पालन करें। सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा जब तक उसका पालन ना करें, और इस दिशा में कुछ इन्फोर्समेंट की भी कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में जितने इन्फोर्समेंट के अंग हैं और साथ में कुछ जो चौक है जिनमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग की समस्या है, उन चौकों पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस कर्मी भी अब हेलमेट पहनेंगे, सर क्या कुछ आदेश है और क्या कुछ पालन होगा? पिछले कुछ दिनों में कई सारी ऐसी दुर्घटनाएँ हुई है जिसमें हेलमेट नहीं पहनने की वजह से पुलिस कर्मियों को भी क्षति हुई है, खासतौर से बाइक चालकों को। एक आदेश आज मैंने जारी किया है कि सभी कर्मचारी हेलमेट पहने। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।